गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे टीबी पेशेंट की क्या डाइट होनी चाहिए, टीबी के मरीजों अपने खाने में क्या चीज़ें सम्मिलित करनी है और क्या चीज़ें नहीं खानी है, इन दोनों विषयों पे बात करेंगे। अब टीबी का जो पेशेंट रहता है उसके साथ दो बड़ी समस्या है। एक तो उसको भूख नहीं लगती, टीबी की वजह से भी दवाइयाँ भी चल रही हैं, और दूसरा कि उसका शरीर कमज़ोर है। इस बात को आप समझें कि टीबी की बीमारी होती इसलिए है क्योंकि शरीर कमज़ोर है। टीबी का बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला जाता है, लेटेंट स्टेज में पड़ा रहता है। जब शरीर कमज़ोर होता है तो टीबी का बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, तो शरीर कमज़ोर हुआ है इसलिए टीबी हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति जिनको टीबी का इलाज चलता है तो काफ़ी सारी दवाइयां चलती हैं, उससे बार बार पेट के अंदर गैस बनना, उल्टी आना, पेट में दर्द रहना, खाने का भी मन ना लगना, शुरू की स्टेज में कम से कम 15 दिन, 1 महीने, उसके बाद तो फिर पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। तो जो खाना होना चाहिए उसका वो वेल बैलेंस्ड और हेल्दी होना चाहिए। दो चीज़ें करना है, एक तो कैलोरी की इनटेक बढ़ानी है जितना पहले खा रहे थे, क्योंकि हमें मांसपेशियों की भरपाई करनी है, इम्यून सेल्स को बढ़ाने, इसके लिए ज़्यादा खाना है, ज़्यादा कैलोरी का भी खाना है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ेगी, और जो मिनरल्स हैं, जो मल्टीविटामिन है स्पेशली, जैसे कि जिंक की बात करें या आयरन की बात करें, फोलिक एसिड की बात करें, विटामिन B12 की बात करें, इसका लेवल हमें बढ़ाना है। चूँकि टीबी की बीमारी ऐसी है जो थोड़ा सा जो गरीब तबका है उसको ज़्यादा होती है, या यूँ कह लें कि ऐसे लोग जो ओवर क्राउडेड प्लेस में रहते हैं, शरीर पहले से ही कमज़ोर है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझने वाली है कि ज़्यादा महंगा खाना या स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई टीबी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता। आपके लोकेलिटी में जो भी खाना मिलता है, वैरायटी आप फूड खाने हैं, अलग अलग तरह के जो खाने उपलब्ध हैं उनको खाना है, पर ज़्यादा बार खाना है। टीबी के लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर दूसरी क्या बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है, उस हिसाब से उसका जो खाना है मॉडिफाई हो सकता है, टीबी के हिसाब से मॉडिफाई नहीं होगा। खाने में अनाज खाना है, अनाज आपके एरिया में जो लोकल प्रोड्यूस होता हो, चाहे गेहूँ हो, इसके अलावा चावल हो सकता है, रागी हो सकता है, बाजरा हो सकता है, जई हो सकता है, अनाज लेना है, दालें लेनी है, दाल किसी भी तरह की हो, अरहर की हो सकती है, चने की दाल हो सकती है, मटर की हो सकती है, राजमा की हो सकती है, या कोई और दाल हो सकती है। चने वगैरह खाना अच्छा रहता है दालें, क्योंकि इनमें प्रोटीन अच्छा होता है, तो वेजिटेरियन के लिए दालें प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है, तो खाने में इसको सम्मिलित करें। प्रोटीन के लिए अंडा अच्छा होता है, पनीर है, जो लोग नान वेज खाते हैं मछली ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं अगर उपलब्ध है तो, फिश वगैरह कई बार लोगों को मिल जाती है नदी या तालाब के किनारे। बाहर से महंगी खरीद के खाने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, प्रोटीन के लिए दालें बहुत हैं, अंडा, इसके अलावा पनीर जैसा कि मैंने बताया, मछली और चिकन मटन, इन सब में प्रोटीन अच्छा मिलता है। और जिनको ये सब नहीं मिल सकता, थोड़े गरीब हैं, वो सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं, तो सोयाबीन की बड़ियाँ और दाल प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। पर ये ज़्यादा खाना है क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत है, जो मांसपेशियाँ गल गई हैं उसको बढ़ानी है। अब अगर मिनरल्स की बात करें कि ये सब कहाँ से मिलेगा या विटामिन है ये सब कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए आपको सब्जी खानी पड़ेगी। आपके एरिया में जो भी सब्ज़ी मिलती है सीजन के हिसाब से, सीजन में सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं, अच्छी होती हैं, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा होता है, तो जितने भी तरह की हरी सब्ज़ियाँ हैं सारी हरी सब्ज़ी आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीबी के पेशेंट में हरी सब्ज़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, और सीजनल जो फ्रूट्स आपके एरिया में मिलता होगा वो भी सस्ता मिल जाता है, जैसे गर्मी के समय मैंगो मिलता है, कुछ एरिया में पपाया मिलेगा, पपीता मिलेगा कुछ एरिया में, दूसरे भी चीज़ें जैसे कि सेब अनार भी काफ़ी जगह मिल पाता है, बहुत सारी जगह पे दूसरे भी जो लोकल फ्रूट्स होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, सीजन के हिसाब से मिल जाते हैं, तो उनको खाने, क्योंकि उनके अंदर मिनरल्स मिल जाता है। सब्ज़ी और फ्रूट्स स्पेशली होना चाहिए क्योंकि ये खाना आसानी से पचते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इम्यून सेल्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि शरीर कमज़ोर हुआ है, शरीर को सेल्स चाहिए जो टीबी के बैक्टीरिया को मारे। अकेला एंटीबायोटिक बस से काम नहीं चलेगा, आपके शरीर में आपके भी इम्यून सेल्स होने चाहिए, जो मिनरल्स और मल्टी विटामिन, स्पेशली जैसा कि मैंने बताया कि आयरन, जिंक और सेलेनियम, ये इम्यून सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने में चाहिए होते हैं। जिंक के लिए स्पेशली अगर बात करें तो जिंक नॉन वेज के जो फूड होते हैं उसमें होता है, या तो फिर
जो सीड्स है जैसे कद्दू का बीज है या चिया सीड्स हो गया या फ्लेक्स सीड्स है, अलसी का सीड है, इन सब में भी होता है। तो इनको भी आप खाने में सम्मिलित करें। जो दूध वाला प्रोडक्ट है जैसे कि दूध है, छाछ है, पनीर है, इन सबको भी खाने से काफ़ी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गरीबों का खाना या अमीरों का खाना, खाना होना चाहिए। जब आप अलग अलग तरह के खाना खाएंगे तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जैसे एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए, वो भी खाने में चाहिए, क्योंकि आपको ताकत भी तो चाहिए होगी, तो वो अनाज में मिल जाता है। अगर फैट की बात करें तो ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, एक तो सोयाबीन का जैसे ऑयल है वो अच्छा है, या मूंगफली का ऑयल है, सरसों का तेल है, हमारे तो लोकली जो प्रोड्यूस्ड ऑयल रहता है अच्छा रहता है, कच्ची घानी का लें, रिफाइंड ना हो, तो उससे ये चीज़ें मिल जाएंगी। घी बटर से फैट मिल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट हो गया एनर्जी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए मैंने प्रोटीन बताया है जो कि दालों में, सोयाबीन में और अंडे, पनीर और मछली में मिलता है। मिनरल्स और विटामिन्स के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना है जो कि वहाँ पे लोकली मिल जाए। खाने का अमाउंट बढ़ाना है, खाने कम से कम 4 से 5 बार, थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन 4 से 5 बार खाना है। रात में पूरी नींद लेना है, थोड़े दिन गैस वगैरह की, एसिडिटी की गोली आती है वो ले सकते हैं, मल्टी विटामिन मिनरल मार्केट में टैबलेट्स आती हैं थोड़े दिन सपोर्ट के लिए, वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का खाने का पैटर्न होना चाहिए। अब क्या चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि क्या चीज़ें नहीं खानी। उसमें शक्कर और शुगरी ड्रिंक, ज़्यादा शक्कर खाने से शरीर कमज़ोर होता है एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। तो शक्कर, रिफाइंड जो शक्कर है वो खाना सही नहीं रहता। गुड़ वगैरह खा सकते हैं, तो शक्कर नहीं खाना है। दूसरा, निकोटीन के जो सामान है जैसे कि सिगरेट वगैरह, ये बहुत नुकसान कराते हैं टीबी के पेशेंट में, तो ये भी नहीं लेना है। और जो सैचुरेटेड ज़्यादा फैट है, जो बाज़ार में फैटी चीज़ें मिलती हैं तली भुनी खाने की, वो भी बहुत सही नहीं रहती, तो उसको भी ना लें। चाय कॉफ़ी को कम करें, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोका कोला, सोडा, पेप्सी वगैरह, वो भी टीबी के पेशेंट के लिए सही नहीं रहती, तो उनको भी कम नहीं खाना है। ज़्यादा साल्टी चीज़ें जिसमें ज़्यादा नमक है वो भी बहुत अच्छी नहीं रहती, स्वादानुसार आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तली भुनी, ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें बेकार ही रहती हैं। एल्कोहल भी बेकार होता है, क्योंकि एल्कोहल से शरीर कमज़ोर होता है, एल्कोहल से इम्यून सेल्स कमज़ोर होता है। तो जो टीबी का इलाज चल रहा है और आप एल्कोहल भी लेते हैं, तो शरीर उतना अच्छे से टीबी के बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा। तो ये टीबी के पेशेंट्स के लिए खाने हैं जो मैंने बताया, जैसा कि बताया कि आपका खाना बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रिशनली लोकली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, आस पास का जो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, जिस जगह में रह रहे हो, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहती हैं। बहुत महंगा लेने का मतलब नहीं होता, ज़्यादा बार खाना बस खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई इसके लिए स्पेशल डाइट नहीं आती कि टीबी के मरीजों के लिए ये चीज़ें खानी हैं। जो चीज़ें आपको पसंद है खा सकते हैं, आपके एरिया में मिलती है, सस्ती मिलती है, वो चीज़ें आप खाएँ। और सपोर्ट के लिए थोड़ा सा आप चाहें तो मल्टी विटामिन्स ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, चाहें तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से थोड़े दिन ले सकते हैं शुरुआत के फेज में, जब उल्टी वगैरह ज़्यादा आ रही, खाने का मन कम कर रहा है। सो ये टीबी के पेशेंट्स के लिए डाइट हो गई।